हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र और आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो क्वेश्चन भी आता है और ये काफी मजेदार टॉपिक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड क्या क्या हमारे रेगुलेटरी बॉडीज है जो कि इन्होंने फ्रेमवर्क बना रखी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करने चाहिए, उसके हम बात करने वाले हैं। इसको ढंग से आपको वीडियो को देखना है, सबको समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहला हमारा होता है कंपनीज एक्ट। देखो कंपनीज एक्ट में क्या कह रखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। कंपनी लॉ में सारे के सारे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कह रखा है अलग अलग प्रोविजन बन रखे हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ये मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये पॉइंट हर एक में आप लिख सकते हो, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए, वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाएंगे। वही रेमुनरेशन डिसाइड कर पाते हैं, वही सब कुछ आपकी जो भी ऑडिट है वो कर पाते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए। वुमेन डायरेक्टर इन्होंने कहा रखा है, वुमेन डायरेक्टर एक होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखो मैंने जैसे बताया, ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी बननी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह आएगा ये कि ऑडिट कमेटी जरूर होनी चाहिए, इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए कमेटी, ऐसे ही पॉइंट हर जगह आता है। तो बेसिकली इन्होंने सारी के सारी ये मेन बातें करी भी है, लेकिन जो मेन प्रोविजन इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए 134 सेक्शन में कह रखा है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं उसके साथ आपको एक रिपोर्ट भी जरूर लगानी है। वो रिपोर्ट में सारे के सारे डिटेल और मैटर लिखनी है, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट कंटेनिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के अंदर, उसका क्या काम कर सकते हैं वो, उस सब कुछ अटैच करना है रिपोर्ट के साथ। तो रिपोर्ट अटैच करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, ये मैंडेटरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के साथ आपको रिपोर्ट अटैच करनी है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए मैंडेटरी कर रखा है इन्होंने, ठीक है। 177 में क्या कर रखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी एक ऑडिट कमेटी जरूर बनानी है, जिससे कोई भी काम आपको करना है उसको वो चेक कर सके कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऑडिटर वहां पर सब कुछ सही तरीके से काम कर पाएगा, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको अप्रूव कर पाएगा, जो भी चीज सही हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, अकाउंट्स में स्टैंडर्ड जो हो रहे हैं फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, अकाउंटिंग सही हो रही कि नहीं हो रही, वो सही करना जरूरी है ना। 184 में क्या कह रखा है कि डायरेक्टर को अपने सारे के सारे जो इतना भी कोई इसी कंपनी के अंदर उसका कोई इंटरेस्ट है किसी बॉडी के अंदर किसी फर्म के अंदर, तो वो सारे के सारे डिस्क्लोज करना जरूरी है एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड। इफ देर इज एनी चेंज इन इंटरेस्ट देन फर्स्ट मीटिंग हेल्ड आफ्टर सच चेंज। तो फर्स्ट मीटिंग उसके बाद होगी, अगर कोई इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है, चेंज हुआ तो वो फर्स्ट मीटिंग उस चेंज के बाद होगी। मतलब पहले अगर कोई भी अगर कोई डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब क्या कि किसी कंपनी से वो डील कर रहा है या कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो वो सब बताना पड़ेगा उसे कि भाई मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तब जाके हम देख सकते हैं कि ये बंदे को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस सौंपे या ना सौंपे, ठीक है। तो ये कंपनी सेक्ट में कहा था, मेनली यही कहा था कि भाई ऑडिट कमेटी बनानी चाहिए, डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्ट अटैच करो और डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट लोगों के सामने बताए ताकि कुछ छुपे ना, क्योंकि आपको पता है कॉर्पोरेट गवर्नमेंट में प्रिंसिपल सबसे बड़ा होता है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज की। तो ये चीज है। सेबी की गाइडलाइन क्या है, सेबी आपको पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को, तो 12 अप्रैल 1992 मुझे फॉर्म हुई थी, जिसका मेन पर्पज यही है कि इंटरेस्ट इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इन्होंने क्या कह दिया भाई, इन्होंने सिंपल से ये बात कही है कि जो भी ट्रांजेक्शन होती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, वो अप्रूवल होनी चाहिए पहले शेयर होल्डर के द्वारा। अब ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी है, आप अपनी ही जैसे कि कोई पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, क्रेडिटर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, सप्लायर्स हो गए, वो पहले अप्रूवल होनी चाहिए भाई, स्टेक होल्डर मेनली बन रही रिलेटेड पार्टी मतलब वो अप्रूवल होनी चाहिए पहले, अप्रूवल शेयर होल्डर के द्वारा होनी चाहिए तभी वो मानी जाएगी कि वो सही है, बिकॉज शेयर होल्डर का इंटरेस्ट वहां पर पूरा का पूरा लगा होता है,
सो इट एस्टेब्लिश विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, क्लियर मैंडेट टू हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड, और वन वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए उसका, सारे के सारे डिस्क्लोजर होना चाहिए कि कितना उसको पैसे मिलेंगे, रेमोनरेशन कितनी मिलेगी, उसका पे पैकेज क्या होगा, वो भी डिस्क्लोज होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि पूरा को पूरा एक प्रॉपर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बात कही गई कि शेयर होल्डर से अप्रूव होने चाहिए, और वहां पर वन वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, उससे अप्रूव होनी चाहिए, उसकी रेमोनरेशन भी डिसाइड होनी चाहिए। सेकेंड है, लिस्टेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ ई वोटिंग टू शेयर होल्डर, मतलब कि उनको एक ऑप्शन में प्रोवाइड करना चाहिए ई वोटिंग का, क्योंकि हो सकता है कई बार शेयर होल्डर प्रेजेंट ना हो। तो आपको पता है कि एक प्रिंसिपल भी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू शेयर होल्डर्स, तो उसका पॉइंट है ये। ठीक है, क्योंकि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कोई बहुत सारे शेयर होल्डर है तो उसको एक जगह बुलाया गया, ई वोटिंग का फंक्शन होगा तभी तो सारे, और तभी तो सारे जितने भी शेयर होल्डर है वो एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना आप उसको पार्टिसिपेट करने का अगर मौका नहीं दोगे तो फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ कर रहे हो आप। फिर कह रखा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कहा, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इट द रिवाइज फॉरबिड्स द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक खरीदने बेचने की उसको इजाजत नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। विसर ब्लोअर पॉलिसी, ऊपर भी नाम आया था ना, इसका मतलब यही है कि डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज कैन रिपोर्ट एनी अनएथिकल बिहेवियर, एनी फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो वो बता सकते हैं, डायरेक्टर भी बता सकता है कि भाई मेरे साथ ये गलत हो रहा है, एम्प्लॉय भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और यही चीज हमने कहा कि भाई बाय द अमेंडमेंट ऑफ ऑडिट कमेटी इज ऑल्सो इन, ऑडिट कमेटी भी बननी चाहिए, इसमें ऑडिट कमेटी के अंदर रिस्क मैनेजर सिस्टम होना चाहिए, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होने चाहिए, मतलब सब कुछ, जो एक कंट्रोल मैकेनिज्म जरूर बनना चाहिए, तभी आप कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसको पकड़ सकते हो, वरना अगर ये नहीं होगा तो गलत काम कैसे पकड़ोगे आप, कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड होगा वो कैसे पकड़ोगे, कंपनी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो कोई भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई भी ऐसा डिसीजन गलत नहीं लोगे आप। ठीक है, कोई भी लोन इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो होता है वो उसी की वजह से तो गड़बड़ होती सारी सारी, जैसे कि आपने विजय माल्या का केस हुआ था, कई सारे केस हुए थे, वो तभी तो हुए थे क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही अच्छी नहीं थी कंपनी में। जो भी कंपनी बंद होती है उसका रीजन सबसे बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। तो क्या था इसका, सबसे पहला क्या था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अप्रूव होने चाहिए शेयर होल्डर के द्वारा, वहां पर वुमेन वुमेन डायरेक्टर भी होने चाहिए, ई वोटिंग सिस्टम प्रोवाइड होना चाहिए, और डायरेक्टर इनएलिजिबल होना चाहिए स्टॉक ऑप्शन से, और वहां पर कोई भी डायरेक्टर है, कोई भी इंप्लॉयज है, वो अनएथिकल बिहेवियर कोई कर रहा है तो वो रिपोर्ट कर सकता है। ये था इसका सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी ऑडिट। सेक्रेटरी ऑडिट का मतलब होता है एक कंपनीज एक्ट में बनाया गया ताकि हम चेक कर सके, ये भी कंपनीज एक्ट में ही आएगा, ताकि हम चेक कर सके कंप्लाइंसेस फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही कंपनी, यानी कंपनी जो जितने भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रोविजंस है, उनको वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, उसके लिए सेक्रेटरी ऑडिट जरूर होना चाहिए। ये इन्होंने कहा, इट इज अ मैकेनिज्म टू मॉनिटर कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेटेड लॉज एंड प्रोसेस। सिंपल है, सिंपल, खत्म आ गई ना बात। तो सेक्रेटरियल ऑडिट क्या मतलब क्या होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट गिव्स कंफर्ट टू द रेगुलेटर स्टेक होल्डर, मतलब फिर जो टेंशन नहीं होगी उनको, जो भी भाई कंपनी के साथ शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी के साथ क्रेडिटर्स जुड़े हुए हैं, उनको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उनको पता होगा सेक्रेटरियल ऑडिट हम कराएंगे तो भाई पकड़ा जाएगा सारे के सारे लोग जो कंप्लाइज नहीं फॉलो कर रहे होंगे, तो अपना फॉलो करेंगे डर के मारे, है ना, ये सिस्टम है। तो इन्होंने कहा कि कौन करा सकता है ये, कोई भी लिस्टेड कंपनी या प्राइवेट पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल हैविंग, जिसकी पेड शेयर कैपिटल है तो 50 करोड़ से ऊपर हो, या अगर किसकी पेड कैपिटल नहीं है तो उसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर हो। सेक्रेटरियल ऑडिट इज ऑल्सो मैंडेटेड टू प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी वो वाली को मैंडेटरी है। स्कोप वगैरह रहने दो, इसका स्कोप वगैरह समझने की जरूरत नहीं है, सारे वो आपको याद नहीं होगे तो सारे ये सैबी सूबी ये पता नहीं क्या है, बहुत सारे क्लास एक्शन रहने दो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल लॉ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, ये बेसिकली समझ लो एक कोर्ट होता है, जैसे कोर्ट है ना, जहां पर आप कोई भी कुछ दिक्कत हो आप कह सकते हो उसको, वैसे ही ये NCLT कंपनी के लिए बना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट
अफेयर्स ने बनाया था, उन्होंने 11 बेंचेस के साथ, ठीक है, जिसकी प्रिंसिपल बना न्यू दिल्ली में है, वहां से इन्होंने ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे कॉन्स्टिट्यूट करती है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने ये सारे के सारे इसको बनाने में मदद की। इसका काम होता है टू चेक मिस मैनेजमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। कुछ भी कंपनी में गड़बड़ हो रही है तो उसको बंद करना इसका काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ ट्रिब्यूनल कॉल्ड नेशनल कंपनी लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा ट्रिब्यूनल सेट किया था ये। तो ट्रिब्यूनल का मेन काम यही होता है कि कोई भी कंपनी में इशू हो रहा है उसको डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना, ठीक है। इट इज अ सक्सेसर ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड था पहले। तो द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड 11 बंचेस फॉर एनसीएलटी। सिलेक्शन ऑफ मेंबर इज डन बाय सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री हमारी बनी हुई है कंपनी के लिए, वो हमारी चेयरमैन मेंबर को सिलेक्ट करती है। स्कोप क्या है भाई इसका, क्या करती है काम भाई? देखो इसका एडवांटेज क्या है, समझ लेते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से क्या होता है कि आप कोई भी लिटिगेशन है, लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी आप केस चल रहा होता है कंपनी के ऊपर, कंपनी ने या किसी के ऊपर केस कर दिया, या जो केसेस वाले सिस्टम होते हैं उनको सुलझाना, जुडिशरी मेंबर्स और टेक्निकल मेंबर्स के अंदर कंस्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। जुडिशरी मेंबर भी होते हैं, टेक्निकल मेंबर भी होते हैं, कोई भी मैटर को सेटल करना, जस्टिस दिलाना और बाइंडिंग अप कराना अच्छे से कम समय में, और बहुत ही स्पीडी स्पीडी बहुत जल्दी से जल्दी केसेस को सुलझाना। एनसीएलटी के अंदर ही एक नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है जो कि ये अपील्स वगैरह लेता है, ठीक है। उसको पूरा को पूरा उसके रिलेटेड सब कुछ संभालना, ये आपका मेन काम होता है। कहने का मतलब ये पूरी की पूरी कोर्ट है, समझ लो। पावर क्या होती है, ये है हमारा मेन पावर क्या है, कि कोई भी कंपनी को अनलिमिटेड घोषित करना इनकी पावर है, कि भाई ये कंपनी सही काम नहीं कर रही तो अनलिमिटेड घोषित कर दो, अपने आप बंद करेगी कंपनी। डी रजिस्ट्रेशन करना कंपनी का, अच्छा कंपनी अगर कोई गलत काम करे डी रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोलियन मैजिस्ट्रेट, उससे असिस्टेंस लेना। रेमेडी फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, एसेट कंपनी के सीज कर देना। इन्वेस्टिगेट करना कि ओनर कौन है, कोई भी सिक्योरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देना कंपनी के अंदर, कन्वर्जन कर देना कंपनी का, फाइनेंशियल ईयर को ऑल्टर कर देना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब चीज़ें बेसिकली हमारी होती है, आपको पता ही है, मेन हमारा यही है। तो इसकी वजह से ये रेगुलेट करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल को। तो अगर आपको सही काम नहीं करोगे तो अपने आप ही आपको डर आएगा कि भाई ये नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल हमारा कंपनी को सीज कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है वो। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए अब अगला है, रेटिंग एजेंसी भी इन्फ्लुएंस करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। रेटिंग एजेंसी सर क्या होती है? बेसिकली ऐसी एजेंसीज होती है जो आपने देखा होगा कभी कभार कि यार ये कंपनी बढ़िया है, ये कंपनी घटिया है। वो कैसे पता चलता है? बहुत सारी एजेंसीज है जो कंपनी को रेट करती है कि यार ये कंपनी में 5 में से इसको 4 स्टार मिलेगी, जैसे होता है ना कि रेटिंग करते हैं, वैसे ही कई सारी कंपनी को स्कोर मिलती है, अलग अलग स्कोर मिलते हैं कि यहाँ पर कंपनी अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्कोर मिलता है उसे, वहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी कंपनी बढ़िया कौन सी घटिया। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, जैसे कि आपने पैसा बाजार नाम सुना होगा, पैसा बाजार .com, है ना। तो वो भी आपका देखते हैं आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, क्रेडिट आप ले सकते हो नहीं ले सकते, कि आप में दम है क्रेडिट लेने का तो वहां से आप देख लोगे। हैव डेवलप इंडेसेज टू मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मेजर वो इंडेसेज बनाते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेजर करते हैं वो कंपनी के। कई सारी है, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सर्विसेज है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडेक्स है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर बहुत बड़ी फेमस है, SNP जिसे कहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कोर देती है ये। और भी कई सारी है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, बिजनेस इन द कम्युनिटी, ठीक है। मेनली हमारे यही है नाम, तीन चार नाम याद रख लो बस, इंस्टीट्यूट शेयर होल्डर सर्विसेज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब ये आपको समझ लेना कि ये आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडेक्स हो गया, SNP हो गया, इंस्टीट्यूट शेयर होल्डर सर्विस हो गया, ठीक है। अब ये करती क्या है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है? तो ये क्या करेगी, रेटिंग एजेंसी कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगी जिससे कंपनी को डायरेक्ट हो जाएगा कि यार कंपनी को समझ में आ जाएगा कि
कि अगर कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी नहीं करेगी तो उसका स्कोर खराब हो जाएगा, और अगर स्कोर खराब हो जाएगा तो मार्केट में उसकी इमेज डाउन हो जाएगी। उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप अच्छी करनी पड़ेगी। सो बाय आइदर डायरेक्टली फैक्टरिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनटू द स्कोर सिस्टम, तो वो डायरेक्टली फैक्टरिंग करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, उसको इफेक्ट डालती है, स्कोर सिस्टम बना देती है, और कॉम्प्लीमेंटिंग देयर फाइनेंशियल स्कोरिंग सिस्टम, या तो कॉम्प्लीमेंटिंग कर देते हैं फाइनेंशियल स्कोर सिस्टम विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस वंस, कि भाई उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके हिसाब से। ऑफ द 30 लार्जेस्ट यूरोपियन एसेट मैनेजर्स, 20 फैक्टर गवर्नेंस इनटू देयर इन्वेस्टमेंट। सम कमेंटेटर बिलीव दैट कोई स्टार्टिंग से दैट इज स्टार्टिंग टू चेंज द डायनेमिक्स ऑफ इन्वेस्टर साइड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब आपको पता है ना इन्वेस्टर डिसीजन लेगा तो इन्वेस्टर सोचेगा कि कंपनी में आने से पहले इसका पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कोर देख लेता हूँ, ठीक है ना, तो उसको पूरा डायनेमिक्स चेंज कर दे इन्वेस्टर का। इफ द एनालिस्ट डू दियर होमवर्क प्रॉपरली इंडेक्स कैन गिव अ थंबनेल, है ना, अगर अच्छे से काम करेगी तो सब कुछ सही होगा, और अगर एनालिस्ट जो है वो अच्छे से काम करेंगे तो इंडेक्स जो है वो कंपनी का सही मिलेगा। द इंडेसेस मेक इट इजियर फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए मेन होता है ना ये, तो इन्वेस्टर को समझ में आ जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे हो रही है अच्छे से, तो वो इन्वेस्टिंग का डिसीजन सही ले सकते हैं, उसके लिए है बेसिकली। तो समझ आएगी आपको बात, रेटिंग एजेंसी इंफ्रा डालती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, रेट करती है। एनसीएलटी तो भैया कंपनी को बंद कर सकती है पूरी की पूरी, मैनेजमेंट को इन्वेस्टिगेट कर सकती है कभी भी, वो बाइंडिंग अप के प्रोसेस को संभालती है, अपने उसके जुडिशरी टेक्निकल मेंबर होते हैं, लिटिगेशन को संभालती है वो, ठीक है, ये आपका मेन काम होता है नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल में। आप तो इंफ्रा डालते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, और ये हमारा मोड मेन होता है। उसके बाद हमने समझा ये आपका सेबी की गाइडलाइंस, सेक्रेटरी ऑडिट समझा हमने, सेक्रेटरी ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो अब कंपनी के कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अकाउंट 50 करोड़ है उसको करना पड़ता है, या जिसकी टर्न ओवर 2.5 करोड़ है, ठीक है, 250 करोड़ है, और मैंडेटरी है प्राइवेट कंपनी जिसकी कोई जो कि सब्सिडरी पब्लिक की, हमने समझा। फिर हमने समझा ये सारे सेबी की गाइडलाइन, यानी कि कोई किसी को ई वोटिंग करानी, ई वोटिंग का फंक्शन जरूर होना चाहिए, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पर आपकी क्लियर मैंडेट टू हैव एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर इन द बोर्ड, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का अप्रूवल होनी चाहिए, और उसका पूरा का पूरा आपका डायरेक्टर को कोई भी दिक्कत हो वो रिपोर्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फॉरबिड कर देना चाहिए स्टॉक ऑप्शन से, ये हमने समझा। फिर हमने समझा था कंपनी एक्ट के बारे में, कि कंपनी एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन रखे हैं, पहले तो हमने समझा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपोजिशन क्या होना चाहिए, ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, तो 134 में बताया कि एक रिपोर्ट अटैच करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, जिसमें डायरेक्टर की जो डिटेल्स ऑफ द मैटर है या डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में लो। 177 ने बताया ऑडिट कमेटी बनाओ, 184 ने बताया कि कोई भी इंटरेस्ट है डायरेक्टर किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर या किसी भी एसोसिएशन के अंदर उसको डिस्क्लोज करो पहले ही मीटिंग में, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट चेंज हो गया है तो फर्स्ट मीटिंग करी जाएगी उस चेंज के बाद, उसके पहली मीटिंग बाद में करी जाएगी, मतलब चेंज इंटरेस्ट हुआ है तो उसके बाद करो फिर मीटिंग, कहने का मतलब ये। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो देखनी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तो प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वहां पर जाओ, सारी वीडियोस आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया।